इस वीडियो में हम जानेंगे किस देश ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है और भारत की यात्रा करने पर 3 साल का बैन लगाने को कहा है। तो चलिए करते हैं शुरू। भारत सहित अपने COVID-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है। सऊदी अरब कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए तमाम कदम उठा रहा है। इसी क्रम में सऊदी अरब ने अपने नागरिकों से कहा है कि यदि उन्होंने कोरोना नियमों को धता बताकर रेड लिस्ट में शामिल देशों का दौरा किया तो 3 साल के लिए यात्रा करने पर उन पर बैन लगा दिया जाएगा। रेड लिस्ट में शामिल देशों में भारत का नाम भी शामिल है। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने 27 जुलाई 2021 को नए फैसले का घोषणा किया, यानी इस जो ये नया फैसला है इसकी घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, सऊदी अरब ने, यानी क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा कि ऐसा कौन सा देश है जिसने COVID-19 के मद्देनज़र भारत को रेड लिस्ट में डाला है, तो यह है सऊदी अरब। यह क्वेश्चन उल्टा बन सकता है कि सऊदी अरब ने भारत को COVID-19 के मद्देनज़र किस लिस्ट में रखा हुआ है, तो ये रखा हुआ है रेड लिस्ट में। और ये ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए पीछे थर्ड रह की भी यहाँ पर भारत में बात की जा रही है, तो इसलिए 27 जुलाई 2021 को सऊदी अरब ने ये कदम उठाया है कि भारत को रेड लिस्ट में रखा है और जो भी भारत की यात्रा करेगा उस पर 3 साल का यात्रा करने का बैन लगा दिया जाएगा।